हम्माज़िम मशाइम बिन अमीम, ताने देने वाले, इन लोगों को भी हमें फॉलो करने की इजाज़त नहीं जो ताने देते हैं। ताने का मतलब क्या है? आपको मुआशरे में कुछ ऐसे लोग नज़र आएंगे जो मुआशरे में बुराई को ख़त्म करने के लिए किसी की बुराई को हाईलाइट करेंगे, उसी के सामने बोलेंगे भाई देखो आपके अंदर ये बुराई है, इसका ये नुकसान होता है। किसी को आपने देख लिया चरस पीते हुए, आप उसे साइड पे ले जाएंगे, मोहब्बत से समझाएंगे यार ये ठीक चीज़ नहीं है, लोगों को पता चलेगा, बदनामी होगी, कल आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों को लोगों को पता चलेगा तो बच्चों की भी बदनामी, लोग बोलेंगे इनका अब्बा क्या था भाई, चरसी था। तो साइड पे ले जाके ना, छांव में ले जाके तमीज़ से मोहब्बत से उसको आप अल्लाह करे समझाएं, ऐसा ना हो कि साइड पे ले जाके छांव में देखा कोई नहीं है तो चलो यार एक छुट्टा भी लगा लें। ये भी होता है बाज़दा कि यार अब छांव में तो आ ही गए हैं, साइड पे भी हो गए, देखने वाला भी कोई नहीं है तो यार जरा मैं भी तो ट्राई करा। तो आप उसको समझाओगे मोहब्बत से किनारे पे ले जाके, ये इसकी अलामत होगी कि आप मुआशरे में इस्लाह चाहते हैं, मुआशरे में बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लेकिन अगर आपका स्टाइल ये नहीं है, उसको नहीं कह रहे अलग से ले जाके, सब लोगों को बता रहे हैं बना फिरता है, सुट्टा लगाता है, अबे चरसी है, अबे यूं है, उसके सामने भी कह रहे हैं अबे बस तू बातें कम किया, मैं पता है तू क्या करता है, आज तुझे नहीं मिली तो आज इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये इसकी अलामत है कि आप मुआशरे में इस्लाह नहीं चाहते। ये है ताना देने वाला, हम्माज, ताना देने वाला। ताकि ताने से क्या होता है कि सामने वाले में बुराई का जज्बा कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, वो नफरत पे आता है, उसकी कोशिश ये होती है कि इसने मुझे जलील किया अब मैं भी इसको जलील करूं, वो इसमें लग जाता है कि यार इसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला, वो बुराई तो नहीं छोड़ेगा वो, बल्कि और मजबूत हो जाएगा कि लोगों को तो पता चली गया, बदनामी तो हो गई। लोगों का मिजाज ये है कि जब उनके सामने एक दफा किसी का कोई गुनाह आ जाए तो वो तोबा कर लें, अल्लाह माफ कर देगा, मगर पब्लिक माफ नहीं करती। पब्लिक कहती है अबे हमें पता है क्या है, हालांकि वो 100 दफा तोबा कर चुका है, छोड़ चुका है। तो जो किसी की बुराई को हाईलाइट करता है, अगर उसकी गैर मौजूदगी में बुराई हो तो ये गीबत, सामने हो, लोग कहते हैं हम तो सामने करने के लिए भी तैयार हैं, सामने भी जायज नहीं है भाई। सामने इस सूरत में जायज है जब इस्लाह करना मकसद हो, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने बुराई करने से इस्लाह होगी भी कि नहीं होगी। देखो किसी को बुखार है, एक डॉक्टर इलाज के लिए घर पहुंच गया कि जी मुझे पता चला है कि आप बीमार हैं तो मैं इंजेक्शन लगाना चाहता हूं, तो आप कहोगे भाई हमें भी पता है कि हम बीमार हैं, हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, हम उससे इलाज कराते हैं, आपको ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत है भाई? भाई पेशेंट है तो मरीज डॉक्टर के पास खुद जाएगा ना चल के। लेकिन डॉक्टर कह रहे नहीं नहीं मुझे बड़ी फिक्र है, मैं तो टीका लगाऊंगा। वो जो आपके पड़ोस में जो आपका फैमिली डॉक्टर है वो तो ठीक नहीं, मैं तो लगाऊंगा। इसका मतलब है भाई डॉक्टर इलाज नहीं करना चाहता, इसका कुछ और, ये टीका लगाते हुए सेल्फी बनाना चाहता है अपनी और फिर उसको वायरल करेगा, देखो मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ, ये कुछ चक्कर है, ये इस्लाह नहीं है। इस्लाह होती तो भाई जो नहीं चाहता उसके ऊपर थोड़ी मुसल्लत होते हैं, लड़ाई होगी ना, फट्टा होगा, कहेगा मैं नहीं लगवा रहा आपके, नहीं मैं आपको मैं तो लगाऊंगा। या तो कोई ऐसी खतरनाक बीमारी हो ना कि डॉक्टर को पता है मुझे टीका मैंने इसके नहीं लगाया मर जाएगा वक्त, फिर तो डॉक्टर जबरदस्ती घुसेट देगा। लेकिन नॉर्मली एक बीमारी है, बुखार है, सबको हो जाता है, तो भाई हमारा डॉक्टर है या कोई एलोपैथी के इलाज ही नहीं कराते, कहते हैं हम होम्योपैथी करा रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं मैं टीका लगाऊंगा, तो इसका मतलब है आप इलाज नहीं चाहते, आपका कोई जाती मसला है, कोई रंजिश है, या कोई शोबाजी है, या कोई सेल्फी लेनी है, या पैसे जबरदस्ती लेने आपने, ये खैरख्वाही नहीं है। क्योंकि जब एक आदमी नहीं चाह रहा जबरदस्ती क्यों ठोस रहे उस पर?
आज बाज दीनदारों की ये आदत है कि सामने वाले के बारे में पता है कि उसको समझाने का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा गुस्सा करेगा, फिर भी समझा रहे होते हैं। भाई फिर नहीं समझाओ, फिर खामोश रहो, यानी बेमौका बात हो जाएगी ना। फिर अब सवाल पैदा होता है कि फिर उसकी इसलाह कैसे होगी। तो भाई पहले ये देखो कि हमने इसलाह करनी है ना, तो अगर हमारे पास इसलाह का सही तरीका नहीं है तो ये थोड़ी के जो गलत तरीका है वही पार्सल कर दें। भाईजान इसलाह करनी है ना, इसलाह का सही तरीका सोचने के बाद समझ में नहीं आ रहा तो ये तो नहीं कि गलत तरीके से ही शुरू कर दें। यार बस बोल दो अब्बा नमाज नहीं पढ़ रहे, अब्बा पे फतवा लगा दिया। अब्बा आप नमाज नहीं पढ़ते, जहन्नम में जाएंगे आप। अब आपसे कोई कह रहा है यार अब्बा को ऐसे नहीं समझाते, यार फिर जैसे समझाते हैं मेरी समझ में आया नहीं, तो मैंने कहा फिर जैसा समझ में आ रहा है वैसा समझा दो। ओ भाई अब्बा को समझाने का ये तरीका है ही नहीं। अब्बा को समझाने के लिए या तो दादा से रब्ता किया जाए कि अब्बा के अब्बा ही समझाएंगे, दादा नहीं है। जैसे कि आजकल शादियां इतनी देर से होती हैं कि दादा बनने से पहले फौत हो जाते हैं लोग, तो अब्बा में कोई गड़बड़ है, अम्मा को ना बता दें कि अब्बा को समझाएं। पता चला अम्मा को जाके बोल रहे हैं अब्बा को, वो अम्मा जब अब्बा को समझाएंगे ना तो वो फिर एक नई जंग शुरू हो जाएगी। अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। तो उसके लिए दादा से रابطہ करें। अगर खुद बयान बताना है तो इंतहाई अदब के साथ, बल्कि कोशिश करें कि अगर कोई अब्बा में खराबी है तो उस मौजू पे अगर कोई बयान है वो रिकॉर्डिंग चला दें, बयान लगा दें। मुझे याद है एक साहब थे, उन्होंने अपनी बेटियों का रिश्ता कर दिया बेदीन जगह पर। बेटे ने मुझसे रابطہ किया, यार मेरे अब्बा मेरी बहनों की शादी सही जगह नहीं कर रहे। अब ये तो बड़ा मसला है ना, बच्ची बहनों की जिंदगी तबाह हो रही है। जिनसे शादी हो रही थी वो कुछ सुट्टा मुट्टा लगाते थे या क्या करते थे, वो पैसा देखा अब्बा ने। तो मुझसे बेटे ने रابطہ किया कि अब्बा से वो बात करते ना, अब्बा गजबनाक, अब्बा इसको गैरत का मसला बना लेते कि मेरी बेटी है तुझे ज्यादा फिक्र है। भाई बाप तो यही कहता है ना, यार बाप मैं हूं और तू ज्यादा फंडर बन रहा है, तो बाप इसको गैरत का मसला बनाना नहीं चाहिए लेकिन बना लेते हैं। भाई मार्केट में बाप इसी किस्म के चल रहे हैं ना, समझदारी आजकल कहां है। तो अब बेटे अब बेटा समझाने की कोशिश करे तो अब्बा इसको दूसरे रुख पे ले जाते, वो गैरत का मसला बना लेते कि मैं बाप हूं, गोया ये मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है कि इसको मेरी बेटियों की फिक्र मुझसे भी ज्यादा है, तू मुझे समझाएगा, इस तरह की सिचुएशन। अब वो जगह ऐसी थी कि वहां उसने मुझे बताया भाई बहनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई देखो अब यहां तो समझाना तो है, बहनों की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करनी। तो मैंने उस नौजवान से कहा, मैंने कहा भाई कोशिश करो चाचा से रابطہ करो, चाचा से, कि वो आपके अब्बा को समझाएं। वहां से भी नाउम्मीदी हो गई। मैंने कहा वो अब्बा के फला दोस्त से रابطہ करो, वो आपका नाम लिए बगैर खुद से बातों बातों में अब्बा से कहें यार तुमने जहां रिश्ता तय किया है ना, अबे भाई वो तो सही लोग नहीं, इस तरह आपका नाम नहीं आना चाहिए कि पीछे से कोई और गिनतियां सिखा रहा है। भाई बात समझ में आ रही है, इस तमीज से चलना पड़ता है मुआशरे में, हमारे तमीज है ही नहीं, जो उठाए मुंह में जाके बोल देता है। तो एक जंग छेड़नी हरेक को, आग लगाना हरेक को आता है, और फिर आग लगा के बुझाने की कोशिश भी नहीं करते। अब आग लगा दी, अब्बा ने कहा गैरत का तू मुझे समझा रहा है, तो अब्बा आप गैरत का मसला क्यों बना रहे हो, है भाई मैं नहीं करने दूंगा ऐसे, है ना, मैं देखता हूं ये शादी होके दिखाए, मैं चला जाऊंगा। तो वो पूरा एक चंगेज खान की एक जंग छिड़ जाती है घर के अंदर। तो उसमें क्या किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बड़ी तमीज से लेके चलना है भाई इस मामले को, मैंने कहा चाचा से रابطہ करो। उसने कहा चाचा लिफ्ट कराने के लिए तैयार। मैंने कहा अब्बा के दोस्तों से रابطہ करो। दोस्तों से रابطہ किया, उन्होंने कहा भाई आपके जाती मामलात में हम नहीं पड़ेंगे। सब तरह से मायूस हो गया। तो मैंने कहा फिर ऐसा करो, देखो एक अब्बा को इन बहुत सारे अलकाबात लगा के एक खत लिखो, प्यारे अब्बा, बहुत ही प्यारे, ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वो उसने जो भी, बहुत ही प्यारे अब्बा, आपका हम पर एहसान है, सारी ज़िंदगी आपने हमें खिलाया पिलाया, ये आप ही की बेटियाँ हैं। लेकिन वैसे मैं एक मशवरे के तौर पर कहना चाह रहा था
कि वो जगह सही नहीं है, उसके अलावा कुछ जगह है वो ज्यादा बेहतर है। ऑल्टरनेट भी तो बताओ ना भाई, वो चर्सी ठीक नहीं है तो कोई बगैर चर्स वाला अच्छा दिखा दे तो मैं वहां कर लूंगा। ऑल्टरनेट है नहीं तो वो फिर वो अब्बा ही कहते हैं यार बच्चियों की उम्रें निकल रही हैं। तो मैंने कहा पहले ऑल्टरनेट तलाश करो, उन्होंने वो भी किया। फिर वो जो चर्स पीते थे उनके बारे में बताया कि अब्बा ये तो, अब्बा बेचारा परेशान था यार, चलो सुट्टा ही लगा रहे हैं ना, बच्चियों की उम्रें निकली जा रही हैं तो चर्स पीना, फिर भी शराब तो नहीं पी रहा, वो इसको देख रहे थे अब्बा चर्स को। तो होते होते क्या किया, अब्बा को बड़ा तमीज़ से ख़त लिखा, मुझे पढ़वाया उन्होंने। मैंने कहा यार बड़ा ख़ानदानी ख़त है और अलकाबात लगा के ऑल्टरनेट है, और फिर भी बहरहाल मामला तो आप ही करना, तो फैसला आप नहीं है, बाप तो आप ही हैं। तो वो और ये भी बता दिया कि भाई बच्चियां भी इस पे राजी नहीं है आपकी, अगरचे आपके सामने कह नहीं पा रही हैं लेकिन बहरहाल वो इस रिश्ते पे खुश नहीं है। इस तरह करके बड़ी तमीज अलकाबात के साथ मैंने कहा अब्बा के पैंट की जेब में डाल। अब्बा की पैंट में एक दिन अब्बा ने पैसे निकालने के लिए जब जेब में हाथ डाला, पर्चा वो पर्चा जब अब्बा ने पढ़ा है, बड़े उसमें अलकाबात लगे हुए थे और प्यारे अब्बा, बहुत अच्छे अब्बा। फैसला तो आप, बेटियां तो आपकी है भाई, आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं समझ सकता। ऐसे इतनी तमीज अलकाबात और गैरत और वो सब चीजें लगा के ना, तो जब अब्बा ने पढ़ा तो एकदम नरम हो गए। तो वो नौजवान मेरे पास आया कि अब्बा मान गए। अब्बा ने कहा ठीक है अभी बता यार, कहीं और चर्सियों से जान छुड़ाई, कहीं और शादी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।